क्यों भराई सोनम कपूर की आंखें, क्यों मिल्खा सिंह ने दी अपनी कहानी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा को। ये अलग लेके चला गया, कहने लगा पापा अगर आपने अपनी स्टोरी देनी है तो वो राकेश मेहरा को। और क्या वाकई भाग मिल्खा भाग फिल्म हो गई है पाकिस्तान में बैन? ऐसे ही ढेरों पहेलियों का जवाब मिला भाग मिल्खा भाग के प्रोमो लॉन्च पर, जहां फरहान अख्तर, सोनम कपूर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ खुद द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह भी मौजूद थे। मिल्खा सिंह को इन्होंने दोबारा अमर कर दिया है, जिंदा कर दिया, क्योंकि मेरे जमाने के लोग तो जानते हैं कि मिल्खा सिंह कौन था, क्या किया उसने, मगर जो आने वाली जनरेशन है उनको ये मालूम नहीं कि मिल्खा सिंह क्या चीज। I wouldn't say enacted because Farhan has not played the role, he has become Milkha Singh. And now when I see in front of me, तो मैं यही बोलूंगा अरे दो दो मिल्खा सिंह। क्यों इस मौके पर सोनम हो गई काफी इमोशनल? I like Sonam to just briefly share something. No, I'm not doing it, but he's always putting me in the spot, but I'm in tears, so I don't want to talk about it. और उनकी आंखों से झरने लगे आंसू। Why were you crying? What made you so emotional? I think emotion makes you emotional. And you can see the emotion and you can see the blood, sweat and tears in it. So that's what made me emotional. Well, seems like Sonam is film se kafi emotionally attached ho chuki hai. Isiliye unhone is film ke liye apni fees charge bhi ki, to keval 11 rupaye. Ji, ye Mehra ji ne decide kiya tha ki mujhe 11 rupaye denge ki 1 rupaye denge. Maine kaha mujhe paise nahi chahiye. To he decided ki main सोनम को 11 रुपए दे दूंगा। वैसे सिर्फ सोनम कपूर ही नहीं बल्कि अपनी बायोपिक पर खुद मिल्खा सिंह ने भी डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा से कुछ चार्ज नहीं किया है, क्योंकि मिल्खा सिंह को लगता था कि केवल राकेश ओम प्रकाश मेहरा ही उनकी बायोपिक के साथ जस्टिस कर पाएंगे। तीन चार डायरेक्टर वहाँ पे बैठे हैं तो मुझे अलग लेके चला गया, कहने लगा पापा अगर आपने अपनी स्टोरी देनी है तो वो राकेश मेहरा को ही देनी, और देनी भी 1 रुपए में, ये भी उसने कहा मुझे। मैंने कहा यार कमाल की बात कर रहे हो, लाखों 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 रुपए मिल रहे हैं और आप कह रहे हो कि जी 1 रुपए में देनी है, तो ये मेरे बेटे का फैसला था। क्वाइट इम्प्रेसिव। हाँ, वैसे इम्प्रेसिव तो रियल मिल्खा सिंह यानी फरहान अख्तर भी लगे रियल मिल्खा सिंह को। जब मैं यंग हुआ करता था, जिस जमाने में दौड़ता था, जिस तरह से मेरे मसल थे, जिस तरह से मेरा स्टाइल था, हर एक चीज ने कॉपी की, और सारी दुनिया ये कहती है, चाहे लंदन जाऊं, चाहे अमेरिका में हूं, कहीं भी हूं, वो कहते हैं जी उस लड़के ने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल आप जैसा बन के दिखाया, बिल्कुल मिल्खा लग। बात आगे बढ़ी तो सवाल आया फिल्म के ऊपर पाकिस्तान में बैन लगने की खबरों पर। बहुत दिनों से ये सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान में फिल्म बैन हो गई थी। आज सुबह ही तीन एक से एक बढ़ के ऑफर आए हैं पाकिस्तान से फिल्म को रिलीज करने के लिए, और यहाँ तक कि एक इनविटेशन आया पूरा कास्ट एंड क्रू के लिए कि आप लोग वहाँ आए, और आज तक ऐसा हुआ नहीं, और ये तक बोला गया है कि दिस फिल्म will result in the revival of cinema in Pakistan. Well, no doubt ये promo launch काफी revelations भरा रहा, लेकिन film से जुड़े revelations का ये सिलसिला दिन भर जारी रहा, जब इस promo launch के बाद ही फरहान भाग मिल्खा भाग को promote करने पहुँचे एक radio station पर, जहाँ पहले तो फरहान ने बताया कि इस फिल्म के लिए वो अब तक कितने किलोमीटर्स की दौड़ लगा चुके हैं। किसी ने मुझसे पहले भी पूछा कि आपने कभी कैलकुलेट किया कि आप कितना डिस्टेंस भागे थे? I really wish I had, क्योंकि it would have been quite an amazing number, but unfortunately. और फिर फरहान ने फिल्म के ही एक सॉन्ग के लिए अपना 200% देने से लेकर आमिर का परफेक्शनिस्ट वाला टैग उन्हें मिलने के सवालों पर बिंदास होकर जवाब दिया। मस्तों का झुंड जो गाना है, जो मैंने बाकी जवानों के साथ हमारे बैरिक्स में हम सब डांस कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली मुझे तो बहुत मज़ा आया है गाने करने में, क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे फिल्म
तो उस मोमेंट तक जब हमने गाना शुरू किया, जो सारे सीन्स हमने किए थे वो काफ़ी ड्रामेटिक थे, काफ़ी इंटेंस सीन्स थे, तो ये पहला मुझे एक मौका मिला था फिल्म में कि मैं बिल्कुल कुछ जाके कुछ अलग सा करूँ। तो मैं तो बिल्कुल ही वो कहते हैं 100% जो मैंने 200% दे दिया उस गाने में, तो शायद लोगों को अच्छा लग रहा था। मतलब आमिर ने खुद कभी अपने आप को ये टाइप तो दिया नहीं है कि यू नो मैं हूँ मिस्टर परफेक्ट, और ऐसा मतलब खुद के बारे में इतना सीरियसली सोचना इज अ लिटिल नॉट गुड फॉर हेल्थ। मुझे खुशी है कि जिन फिल्मों में मैं काम कर रहा हूँ मुझे मौका मिल रहा है कुछ नया करने का पर्सनली क्रिएटिवली। सो ऑल इन ऑल ये रियल मिल्खा सिंह रियल लाइफ में भी सबका दिल जीतने निकल चुका है। अब देखना ये है कि ये रियल लाइफ मिल्खा सिंह बॉक्स ऑफिस की रेस में कितना आगे जा पाता है।